हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट का, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट होगा 100 एम सी क्यूज का। और इसका अगर हम बात करें तो पांचवा प्रैक्टिस सेट है, जो कि घटना चक्र टॉ सीरीज से लिया गया है। इसके पहले चार प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो जाकर चैनल पेज पर देखिए, वहाँ से आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इनमें से बताना है, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा राज्य हो बताना, नेपाल से सीमा टच नहीं करती। तो अगर हम बात करें असम की, तो असम की सीमा जो है नेपाल से टच नहीं करती। बाकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, बिहार है, सॉरी पश्चिम बंगाल है, बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, इतनी राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जबकि जो असम है ये किसके साथ, बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा अगर हम बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश के साथ सीमा जो है लगती है, लेकिन पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत के पश्चिमी छोर पर यहाँ पर है पाकिस्तान, और बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी इसी से सटा हुआ, इस तरीके से इसे फैला हुआ है, तो ये जो है पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी, कांथा और चिकनकारी ये जो है किसके प्रसिद्ध रूप हैं। तो तीनों अगर हम बात करेंगे तो ये चिकनकारी जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई होता है, ठीक है, चिकनकारी लखनऊ का कढ़ाई कपड़ों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके रूप हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा कढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी सी रॉय पुरस्कार जो होता है ये अगर हम बात करें तो इसको हम विभिन्न श्रेणियों में प्रदान करते हैं, चिकित्सा के विभिन्न श्रेणियों में इसे हम प्रदान करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में 24 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 जून को हर वर्ष मनाते हैं जो है, सॉरी 24 जनवरी को, सॉरी माफ करिएगा, 24 जनवरी को भारत में किस दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वैसे राष्ट्रीय 24 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकार से संबंधित संस्था है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुआ था, ब्रिटेन में पीटर बेनेनसन द्वारा जो है इसकी संस्था की स्थापना किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो लंदन इसका मुख्यालय है। ठीक है, लंदन इसका क्या है मुख्यालय। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है, आंध्र प्रदेश और प्रतिनिधित्व राज्यों में प्रतिनिधित्व लोकसभा में कितना है। ठीक है, तो इसमें बताना है आंध्र प्रदेश दिया गया, तमिलनाडु है, और इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कितना है लोकसभा में प्रतिनिधित्व, तो आंध्र सभा में 25 है। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में 39 लोकसभा के प्रतिनिधित्व जाते हैं, चुने जाते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में टोटल 48 प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं लोकसभा के। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में 42। तो इस तरीके से इसका आंसर ये मिलाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का डाटा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। तो राष्ट्रीय आय के डाटा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसको हम कहते हैं CSO, का एक गठन कब किया गया था, तो मई 1951 में इसका गठन किया गया था। और जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है, लेकिन वर्ष 2019 में CSO और NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO बना दिया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का जो है ये क्या करता है, आंकड़ा का डेटा का जो ये संस्थान जारी करता है। तो अभी इस समय NSO है, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके अनुसार मापा जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है राष्ट्रीय आय कहलाता है, और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को जो है राष्ट्रीय आय के अनुसार मापते हैं, तो आंसर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। तो वर्ष 2016 में गठन किया गया था, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2016 में कौन इसका समिति का अध्ययन अध्यक्ष होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। और आप लोग कमेंट करके बताएं गवर्नर इसमें वर्तमान में RBI के कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम
मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ हुआ था सितंबर 2014 में, और वो भी 25 सितंबर। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था। इसका लोगो याद रखिएगा क्या है, इसका लोगो जो है वो शेर है। ठीक है, इसका लोगो क्या है, शेर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे प्रमुख नारे की, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट, भोजन, काम और उत्पादकता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा इसका, जो है ये प्रमुख नारा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? ये क्वेश्चन फिजिक्स से है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती क्योंकि लकड़ी जो होता है, लकड़ी जो बुरादा जिसका बनाया जाता है वो लकड़ी का होता है, और लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। और जब ऊष्मा की कुचालक हो जाती है लकड़ी, तो क्या होता है कि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ऊष्मा का क्या होता है, आदान प्रदान नहीं हो पाता जल्दी से, आसानी से। तो इसी कारण जो है बर्फ़ का तापमान नहीं घटता है और वो धीरे 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 करके पिघलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी जो बुरादा होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है? तो हृदय के संकुचन को इंग्लिश में सिस्टोलिक कहा जाता है, सिस्टोल या सिस्टोलिक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? एड्स, ठीक है, एड्स फैलाने के लिए जिम्मेदार कौन सा, विषाणु है या फिर जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो एड्स जो फैलता है वो विषाणु जनित रोग होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके रोग का कारक क्या होता है, तो एच आई वी होता है। रोग का कारक क्या होता है, एच आई वी होता है। ठीक है, एच आई वी एक वायरस है, तो इसके कारण जो है फैलता है, और एलिजा परीक्षण करवाया जाता है एड्स की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? तो समान तत्व के सभी आइसोटोप में अगर हम बात करेंगे तो देखिए परमाणु इसको परमाणु भार या आइसोटोप को क्या कहेंगे, परमाणु भार। तो इसका क्या होता है परिभाषा, तो वह एक ही तत्व के वह परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो होती अलग अलग होती है उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, यानी समस्थानिक। इनका इसका हिंदी क्या, समस्थानिक है। समस्थानिक का परिभाषा क्या होगा, जिनके परमाणु भार समान हो, परमाणु भार क्या हो, समान हो, सॉरी परमाणु क्रमांक, सॉरी माफ करिएगा, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, तो वह क्या होते हैं, वह समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इधर यह दिया गया है, परमाणु क्रमांक एक जैसी परमाणु क्रमांक, नहीं नहीं परमाणु क्रमांक समान किंतु भिन्न परमाणु भार, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में इसमें से सुमेलित नहीं है? तो नींबू में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू जो होता है वो खट्टापन पाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, साइट्रिक ना कि लैक्टिक होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है लैक्टिक अम्ल, तो यही गलत हो जाएगा, ए पार्ट, ये सुमेलित नहीं है। बाकी संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है क्योंकि ये भी खट्टा होता है, सिरका एसिटिक अम्ल होता है, मतलब होता है इस तरीके से, और टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, दूध के दही में परिवर्तित होने के लिए जो है लैक्टिक अम्ल क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A या अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? वर्तमान की बात अगर कर रहा है तो वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो इस समय अगर हम बात करेंगे तो 11 है टोटल, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से जब इससे शामिल किया गया था तब टोटल 10 थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जब आया तो उसी के तहत जो भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में जो है इसे शामिल करके 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किया गया, लेकिन एक और बढ़ाया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये बढ़ाया गया था एक मौलिक कर्तव्य, और इस तरीके से 11 में, और इस ये जो है मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था संविधान में, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो वो संविधान की अगर हम बात करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी पार्ट, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसमें क्या कहा गया कि लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देना। तो यहाँ पे आंसर इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा अगर हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है।
आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। और ये देता है अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा को तुरंत देता है अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु कौन सी एजेंसी है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए मुख्य एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो थे उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह जो कि आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति बने थे। निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी? ठीक है, गांधी जी इनमें से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी 2015 को जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे गांधी जी तो वहाँ उन्होंने गोखले की सलाह के अनुसार भारत भ्रमण करके पूरी स्थिति को जायजा किया पूरे भारत में और फिर उन्होंने स्वयं को जो है अपने भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। तो इस तरीके से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ये इतने घटनाएं जो दी गई हैं इनको देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इनका जो है कालानुक्रम में बताना है सही कालानुक्रम। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं दिया गया है इस तरीके से। तो गांधी इरविन समझौता, अब इनको आना चाहिए आपको कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, देखिए दोनों 1931 में हुआ था, ये 5 मार्च को 23 मार्च को, तो आपको डेट सही भी आने जरूरी है। और भगत सिंह को फांसी की अगर हम बात करेंगे तो भगत सिंह को फांसी, सॉरी ये गलती हो गई, 23 मार्च को नहीं होगा, 23 मार्च को जो होगा वो भगत सिंह को फांसी दिया गया है 23 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 29 से 31 मार्च 1931 के मध्य हुआ था। और इसके बाद पूना समझौता कब हुआ था? तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब सबसे पहले इसमें कौन हुआ था? तो देखिए 5 मार्च 1931 फिर 23 मार्च, यानी कि पहला जो आएगा वो पहला हो जाएगा, फिर इसके बाद तीसरा आएगा, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। और पहला तीसरा दूसरा चौथा तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चर्न्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसमें से बताना है। तो वो कौन सा अधिनियम था? वो था भारत शासन अधिनियम 1919 के काल में, मॉन्टेगू चर्न्स फोर्ड उस समय था वायसराय, तो उसी के काल में जो है आया था, तो इसी के नाम से मॉन्टेगू चर्न्स फोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो लंदन में अगर हम बात करेंगे तो 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो वो कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक समाचार पत्र निकलता था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का भी इन्होंने ही प्रकाशन किया था, तीनों चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त किया था? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पेट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो 1829 में जब सती प्रथा को समाप्त किया गया था तब उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, ये बताना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर जो बी पार्ट विलियम बेंटिंक था। और विलियम बेंटिंक ने जो है इसकी सहायता से सती प्रथा का अंत किया था, तो उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो उन्हीं की सहायता से जो है इसको अंत किया गया। तो आंसर इसका डी बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह चयन करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा पहले नाम किसका महत्वपूर्ण स्थान आता है इसके बाद। तो इसमें अगर देखा जाए तो अग्नि आते हैं सबसे पहले नंबर पर, इंद्र आते हैं, फिर इसके बाद सोम आते हैं। वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्थान अग्नि का था, इसके बाद इंद्र का था, फिर सोम का था। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। प्रथम बौद्ध संगीत प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था वो मगध सम्राट अजात शत्रु ने करवाया था राजगृह की सप्त पंडित गुफा में। तो
राजगृह इसका आंसर हो जाएगा। गुफा की बात करेगा तो सप्तपर्णी गुफा हो जाएगा, ये पूछे। और प्रथम की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप उनका नाम था, इन्होंने जो है अध्यक्षता किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, महाकश्यप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसका उपाधि था। तो इसने जो है सर्वप्रथम रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी किया था, और गुप्त काल में जिसे रूपक या रूपक कहा जाता था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, इनमें से दीवान या मुस्तक राज का निर्माण किसने करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये एक राजस्व विभाग था, ठीक है। दीवान अमीर कोही की अगर हम बात करेंगे तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था, और ये जो है ये कृषि विभाग था। दीवान ये खैरात की बात तो फिरोज तुगलक ने ही करवाया था, यह दान विभाग था। दीवान रियासत, तो दीवान रियासत बलबन ने नहीं करवाया था, दीवान रियासत अलाउद्दीन ने करवाया था निर्माण इसका, अलाउद्दीन, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा, हमें सुमेलित नहीं है ये बताना था, और ये बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, व्यवस्था था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो होता है वो सूर्य के कारण होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है, तो ये जो है ये ओडिशा राज्य में पड़ता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी जो है ये उड़ीसा में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का आकार क्या है, तो हिंद महासागर का आकार देखेंगे तो उसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार टाइप का है, ठीक है। जबकि अटलांटिक महासागर का आकार किस तरीके से है, तो वो लगभग ऐसा आकार का है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है इनमें से, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो वो है सहारा रेगिस्तान, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 2017 टू 2021 के अनुसार वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा सोना उत्पादक जो होता है शीर्ष पांच राज्यों में, तो चीन पहले स्थान पर आता है, ठीक है। इसके बाद रूस का नंबर आता है दूसरे नंबर पर, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर तीसरे नंबर पर, फिर आता है कनाडा का नंबर चौथे नंबर पर, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है, तो भोजताल की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। किसने बनवाया था, तो परमार राजा भोज ने जो है अपने कार्यकाल के दौरान इसे निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, सूची में मिलान करना राजधानी के नाम, हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है, तो हरियाणा की राजधानी सभी जानते हैं कहाँ पर है, चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो शिमला। और उत्तराखंड की राजधानी का नाम देहरादून, तो इस तरीके से मिलान करने को आ जाता है। अगले क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है, वो राज्यों की थी, ये देशों का है। सूडान की राजधानी कहाँ पर है, तो सूडान की राजधानी का नाम है खारतून। मालदीव की राजधानी का क्या नाम है, तो माले नाम है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया नाम है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, तो सीधा सीधा इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब 41-42 जो क्वेश्चन है वो आप पैसेज दिया गया है, पैसेज के अनुसार जो है क्वेश्चन है, पैसेज को पढ़िएगा, क्वेश्चन की तरफ चले जाए। व्हाट इज नैवि दिशा, ठीक है, व्हाट इज नैवि दिशा, और नैवि दिशा इस तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा, नैवि दिशा और नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप ऑन बेस्ट प्रैक्टिस इन वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताना कि नैवि दिशा क्या है, तो नैवि दिशा की अगर हम बात करेंगे तो वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली है, नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप है, ठीक है। तो नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेन इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें सस्टेन इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि विस्तृत दीर्घकालीन विस्तृत या फिर संयुक्त वृद्धि का प्रारंभ जो है बच्चों या महिलाओं से होना चाहिए, अतः रिक्त स्थान पर अगर हम बढ़ेंगे इसके आगे भरना है रिक्त स्थान पर, तो बी पार भर देंगे, मस्ट बिगिन विद चिल्ड्रन एंड वोमेन, जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो ये आंसर निकल के आएगा, सॉरी जब गद्यांश को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है, कंडम का सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची बताना है। तो कंडम मीन्स क्या होता है, कंडम मीन्स होता है दोषी ठहराना या अपराधी ठहराना, ठीक है, अपराधी ठहराना इसका जो होता है अर्थ होता है अपराधी ठहराना। और इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो क्रिटिसाइज करना, आंसर ए पार्ट इसका क्लियर है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें डिस्प्यूट का एंटोनेम यानी कि विलोम बताना है, इसका आंसर क्या जाए, डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा या फिर विवाद, तो इसका हमें एंटोनेम यानी विलोम बताना है, तो इसका विलोम इनमें से हो जाएगा कॉन्सेड, ठीक है, आंसर इसका क्या जाएगा ए पार्ट करेक्ट है। कॉन्सेड मीन्स हार मानना, झुक जाना, मान लेना, स्वीकार कर लेना।
अगले क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर, इसका एक शब्द में हमें बताना क्या कह रहा था। इसका मतलब कि वर्ष के कुछ समय सोने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहा जाता है, जो कि इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, हिंदी का क्वेश्चन आ गया। अब अगर विकल्प सी को देखते हैं तो क्या लिखा है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये सही वाक्य है, ठीक है। बाकी तूने कहाँ जाना है गलत है, इसमें सरनाम के स्थान पर तूने के स्थान पर तुम्हें होना चाहिए था। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये भी गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पे अनेकों के जगह पे अनेक होना चाहिए था, क्योंकि अनेक जो है स्वयं में एक बहुवचन होता है, यहाँ पे अनेकों नहीं बनता। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गलत है। प्राण शब्द जो होता है ये क्या कहते हैं, सिंगुलर में नहीं होता, प्लूरल में होता, तो यहाँ पे उसके उसका की जगह उसके होना चाहिए था, क्योंकि और गया की जगह पे गए होना चाहिए था, ठीक है। प्राण क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया था। तो इस तरीके से आंसर जो होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तथ्यो शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है, तो इसका संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव, तथा प्लस एव आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसमें जो है किस प्रकार की संधि है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जूही की कली इस कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि के नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा निराला, ठीक है। इन्होंने अन्य कविताएं लिखी जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ता, ये सभी इनके अन्य कविताएं हैं। आविर्भाव का विलोम बताना अगले क्वेश्चन में, तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित, सही सुमेलित बताना है कि सूची को सूची एक से मिलान करना है, ठीक है। कान लगाना, कान लगाने का क्या अर्थ होता है, कान लगाना मीन्स होता है ध्यान देना, ठीक है। कान खड़े होना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब चौकन्ना होना। आँख लगाने का क्या अर्थ होता है, तो आँख लगाना मीन्स निगाह रखना, और आँखें खुलना मतलब सजग होना। तो इस तरीके से मुहावरे को मिलाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो सरल व्यंजक को है, और व्यंजक को हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। तो इसमें हम बडमास लगाएंगे, भाग गुणा जोड़ घटाओ, तो पहले हम इसको भाग करेंगे, तो यहाँ पे दो आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 25 माइनस 2 प्लस 11.5 प्लस 9.5, तो इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 11 9 20 और ये 0.5, तो ये जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस 2 करके, यहाँ 25 है, ठीक है। अब 25 21 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस 2, 46 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, इस तरीके लगाया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें गुणा दिया गया बटे में, इसको हम गुणा करेंगे। तो ऊपर देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि 18.43 का स्क्वायर दिया गया माइनस 6.57 का स्क्वायर दिया है, बटे 11.86 दिया है। तो 11.86 को हम किस तरीके लिख सकते हैं, 11.86 को हम जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी तोड़ देते हैं, देखिए किस तरीके तोड़ा जाता है, सरल करने के लिए तोड़ा जाता है। 18.43 माइनस 6.57, यानी ऊपर की जो संख्या उसी में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर की जो संख्या इसको हम इसमें फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे ऊपर जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस में करके आ जाएगा 18.43 प्लस 6.57, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस में करके 18.43 माइनस 6.57 बटे 18.43 माइनस 6.57 आ गया नीचे। अब देखिए नीचे वाला जो है माइनस वाला, वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यह प्लस वाला पोर्शन बचेगा, तो इसको हम जोड़ लेंगे 7 3 10 5 9 1 10 8 6 14 और 1 15 1 1 2, तो 25 आ जाएगा इसका फाइनली आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सरल करके लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 का क्यूब दिया गया, इसके बाद फिर 4 का अंडर रूट है, फिर 5 का क्यूब है। देखिए अंडर रूट 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इसको और इसमें क्या करेंगे, 1/2 में 3 से हम गुणा कर देंगे ऊपर इसमें, तो 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3/6, ठीक है। अब ये क्यों करेंगे, अभी हम इसको आगे देखते हैं क्यों किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर रूट 3 की बात करते हैं या क्यूब 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। 4 की बात करेंगे, 4 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 5 की बात करेंगे तो 5 की पावर 1/3 कर देंगे। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो नीचे एलसीएम में 3 2 3 2 दिया गया, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा। अब 6 जब आएगा तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे सब में उस तरीके से 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारा फाइनली इस तरीके से बन जाएगा 2 3/6, और ये बन जाएगा 3 की पावर 2/6।
और ये बन जाएगा 4 की पावर 3/6, ठीक है। और ये बन गया 5 की पावर 2/6, इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 को हम अंदर लाएंगे तो हो जाएगा 2 दुनी 4 दुनी 8 की पावर 1/6 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम 3 की पावर 2/6 तो 3 की पावर 2 अंदर लाएँ, 3 तरीका 9 की पावर 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 की पावर 3/4 को अंदर लाएंगे तो 4 की पावर 3 यानी 4 चौक 16 चौक 64 की पावर 1/6 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 की पावर 2/6 तो 5 25 की पावर 1/6 कर देंगे, ठीक है। यह क्यों किया गया, क्योंकि जो ये घात अगर करणी में दिया गया हो, हमें बड़ा संख्या बताना, तो इस तरीके से पहले इसको सबको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि इसका जो घात है पावर सेम आ जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इसमें हमें कंपेयर करना आसान हो जाएगा, जो संख्या इनमें से सबसे बड़ी होगी, ठीक है, 25 64 9 8, तो वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसमें अगर देखते हैं तो 64 सबसे बड़ा है, तो 64 की पावर 1/6 यानी कि 4 √4 जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए इन चारों में से √4 ही बड़ा था, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस माइनस ये 2 आ जाता, बाकी सभी का 2 नहीं आता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 2 से कम ही आते हैं, लेकिन इसमें क्या, अगर 4 की जगह पर कुछ दूसरा अंक लिख देता या संख्या लिख देता तो आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अलग अलग संख्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत 4थी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत बताना है। 4 संख्याओं का योग, तो योग पहले ये निकाल लीजिए, योग कितना आएगा, योग तो योग है 55 × 4, ये आ जाएगा टोटल 220, ठीक है। अगर औसत दिया है तो योग में क्या करें, 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अब मान लेते हैं चौथी संख्या x हो गया, ठीक है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो 3x हो गया, तो तीनों संख्याओं का योग की बात अगर हम करेंगे तो 3 × 3x हो जाएगा, ये जो कि आ जाएगा 9x, जो कि 9x ये 3 संख्याओं का होगा और प्लस x जो चौथी संख्या उसको हम जोड़ देंगे तो ये योग बराबर हो जाएगा 220 के। तो यहाँ पे 10x = 220 के हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 22। तो इस तरीके से चौथी संख्या क्या हो जाएगी, चौथी संख्या जो है वो 22 हो जाएगी, ठीक है। चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इस तरीके से हम 3 संख्याओं का जो औसत है, क्या है औसत, तो 3 संख्याओं का औसत जो है 3x होगा, तो 3 × 22 कर देंगे। इस तरीके से हमें 3 संख्याओं का औसत 22 × 3 = 66 निकल के आ जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया। तो क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना, सबसे बड़ी भिन्न संख्या इनमें से ज्ञात करिए, सबसे बड़ी भिन्न संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बड़ी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड ये होता है कि इनका इनसे गुणा कर दीजिए, इनका इनके इनसे गुणा कर दीजिए, फिर इसके बाद इनका इनसे गुणा कर दीजिए, इनका इनसे गुणा कर दीजिए, और जो आए उसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अगर 13 और 24 को गुणा करते हैं तो 13 चौके 52, 13 × 26 और 5 = 31 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 17 और 16 का गुणा करते हैं तो 17 छक्का 102, 10 17 कम 17 10 27, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सी बड़ी संख्या है, तो 312 बड़ी हो जाएगी, यानी कि 13/16 इन दोनों में से बड़ी हो गई। यहाँ पे 8 × 5 = 40 और 12/84 इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 84 बड़ी है, यानी कि 7/8 बड़ी है। तो अब 13/16 और 7/8 में कौन बड़ा है, तो इनका गुणा करेंगे तो 13 8 104 हो जाएगा, और 16/7 कितना हो जाएगा, 112। और इस तरीके से हम देखेंगे कि 7/8 इनमें 112 बड़ी संख्या 104 से, तो 7/8 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि से क्या संबंध। तो आनंद प्रेमा का पुत्र है, तो प्रेमा का पुत्र इस तरीके लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हो गई प्रेमा, इसका पुत्र कौन है, आनंद है, ठीक है, आनंद हो गया। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव कौन है, भाई है, हो गया। नेहा रश्मि की पुत्री है, ये दिया नहीं तो भी ठीक है, नेहा राजीव की बहन है, राजीव की बहन है नेमा, नेहा, नेहा क्या है, राजीव की बहन है, इस तरीके लिख देते हैं। और रश्मि की पुत्री है नेहा, तो नेहा जो है रश्मि की पुत्री है, तो इस तरीके से ऊपर हो जाएगी रश्मि। आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, आनंद यहाँ पर है, रश्मि यहाँ पर है। अब देखिए नेहा जो दिया गया है, रश्मि की बेटी, रश्मि की बेटी, अगर रश्मि की बेटी नेहा है तो रश्मि की बेटी प्रेमा भी होगी, तो रश्मि की बेटी प्रेमा, प्रेमा की बेटी आनंद। तो इस तरीके से रश्मि क्या लगेगी, रश्मि जो लगेगी वो क्या होगी, पौत्र होगी, सॉरी रश्मि जो लगेगी वो नानी होगी,
और रश्मि से आनंद का क्या संबंध है, यानी आनंद को बताना क्या होगा, तो आनंद हो जाएगा पौत्र, ठीक है। तो रश्मि के क्या हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, ठीक है, तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बताना है, ठीक है। 3 फरवरी, चलिए, तो 3 मार्च 2020 को अगर मंगलवार है तो 3 फरवरी 2019 को, तो हम यहाँ पे 3 मार्च 2019 तक निकाल लेंगे कौन सा दिन था 3 मार्च 2019 को। तो देखिए अगर ये देखते हैं 20, तो 2020 क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर है और फरवरी जुड़ रहा है, तो इस तरीके से जब मंगलवार था तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 घट जाएगा मंगलवार में, ठीक है। मंगल जब 20 से 19 में जाएंगे तो मंगलवार में क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा, और अगर हम ये 20 से 21 में जाते तो मंगलवार में 2 बढ़ जाता, कम हो रहा है इसलिए घट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार माइनस 2, मंगलवार माइनस 2 बराबर ये रविवार क्या आ जाएगा, ठीक है। ये 3 मार्च 2019 को दिन निकल के आएगा रविवार। अब 3 मार्च 2019 से लेकर 3 फरवरी 2019 का डेट निकाल लीजिए, तो 3 फरवरी से लेकर 3 मार्च कितने दिन हो गए, तो टोटल 28 दिन हो गए। 28 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 से फल आएगा, यानी ऑड डे 0 हो गया, यानी कि उस दिन भी रविवार ही था। तो इस तरीके से सॉरी आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रविवार। असंगत बताना है 149, 157, 199, 121, इसमें से एक अलग कौन है, तो देखा जाए तो 149, 157 और 199 तीनों संख्याएँ क्या हैं, अभाज्य संख्याएँ हैं, लेकिन 121 जो है वो भाज्य संख्या और एक वर्ग संख्या 11 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग है सबसे, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया है सभी पेड़ चट्टाने हैं, ये पेड़ है बीच में, और दिया गया सभी पेड़ क्या है, चट्टान है, इस तरीके से चट्टान हो गया सभी। अब कह रहा है सभी चट्टाने क्या है, कप है, तो सभी चट्टाने हो गए कप, इस तरीके से। अब इसमें बताना है निष्कर्ष में कि सभी पेड़ कप हैं, तो सभी पेड़ ये है और कप ये है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ कप पेड़ है, कुछ कप हाँ, ये इतना जो है कप है, जो कि पेड़ इतना जो है कप और पेड़ दोनों है, तो इस तरीके से भी सही है, तो दोनों निष्कर्ष सही निकलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इस तरीके से दिया गया कि हिंडर को इस कोड में लिख सकते हैं, इसको में, तो हमें इसका कोड बताना है। देखिए एच से जब हम ए जाएंगे तो हम कितना यहाँ पर -7 कर रहे हैं, ठीक है, और आई से जब बी जाएंगे तो यहाँ पर भी -7 करेंगे, आई का कितना होता है 9 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, तो -7 कर रहे हैं। यहाँ से एन से डब्ल्यू जी जाएंगे तो भी 9 मतलब -7 करेंगे, तो इस तरीके से इन दोनों में -7 का जो है डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें -7 कर देंगे, तो इसमें जब -7 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा, जो है आंसर क्या निकल के आएगा, अब इसको जब हम -7 करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, इसका टी हो जाएगा, ठीक है, सी टी सी आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा, और एल एम एन, इस तरीके से टी सी डी एल एम एन, टी सी डी एल एम एन, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है ललितपुर जिले में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो यह किया जा रहा है गोरखपुर में, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए गए हैं, तो 55 विकसित किया गया है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गोवंश संवर्धन संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया उनका नाम क्या है, तो राहुल चौधरी को बनाया गया है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये कौन है, ये अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर हैं जिन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो बन रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये भी हाल फिलहाल में शुरुआत किया गया है, ये 14 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, और ये केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में जो है दिवस को मनाए जाने की घोषणा किया था। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया, तो ये जो समर्पित किया गया है ये कहां पर समर्पित किया गया है, तो ये जो है समर्पित हुआ है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, दमन में, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मुंबई में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुना गया है,
उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है डी पार्ट हो जाएगा सेल्वा प्रभु थिरुमरन, ठीक है थिरुमरन हो जाएंगे। आंसर इसका क्या जाएगा, सी पार्ट, डी पार्ट। अब 71 से 75 जो क्वेश्चन है वो आपको देना है इस गद्यांश को पढ़ के, गद्यांश को पढ़िएगा, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था, तो किष्किंधा का भाग जो था वो बाली के शासन का हिस्सा था, ठीक है। किसने हम्पी के स्वप्नों की नगरी कहा था, किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था, तो वो कहा गया था पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग प्लेस के द्वारा। जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपका आंसर इसका पता चल जाएगा। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है सी पार्ट, संयुक्त आक्रमण के कारण। विजयनगर के भग्नावशेष की कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट है जनशून्य, ठीक है आंसर क्या जाएगा जनशून्य। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए, तो इसमें से विरूपाक्ष समानार्थी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट है विलक्षण नेत्र वाला, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 76 से 80 क्वेश्चन भी गद्यांश को दिया गया है, गद्यांश को पढ़िएगा, क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। साहसी मनुष्य क्या उदाहरण नहीं लेता, तो अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट सपने, ठीक है। साहसी मनुष्य किसके समान है, गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा सी पार्ट सिंह। दुनिया की परवाह किए बिना जीतने वाले जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट मनुष्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट हिम्मत की महान बताया, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट आदर्शवादी, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट आदर्शवादी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 81 से लेकर 100 तक ये सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ तालिका से दिए गए हैं, तो आप लोग इसको करिएगा, मैं इसका PDF जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।